हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो उसके तहत ये नेक्स्ट वीडियो यानी कि 11वां वीडियो हो जाएगा, है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग एक समग्रता से तैयारी करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है प्रैक्टिस सेट इज इक्वल टू सिलेक्शन, है ना। तो ये रियलिटी है, प्रैक्टिस सेट के बगैर आपका सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल है, है ना। सिर्फ सपाट पढ़ते जाएंगे तो समस्या है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं जो शायद ही आप नॉर्मल पढ़ते समय देखें। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड तक देखिए वीडियो को, है ना। बाकी हम बाद में बात करेंगे। कह रहा है कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है, कह रहा है निम्न में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है, कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन, क्रोमियम, तो इसमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, है ना। ये रेडियोधर्मी तत्व है और इसका जो एटॉमिक नंबर कई बार पूछ लेता है तो 92। देखिए यूरेनियम हम ऐसे लिखते हैं 92, और इसका परमाणु जो भार हो जाता है 238, ठीक है, 235, 36, 37, 38 तक। तो इसके क्या होते हैं, संभारिक होता है, ये संभारिक है, समस्थानिक नहीं, सॉरी समस्थानिक है, संभारिक नहीं होता है। एक परमाणु क्रमांक है और कई सारे परमाणु भार हैं तो समस्थानिक ही तो होगा। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यूरेनियम, है ना। रेडियो एक्टिव तत्व यही है, रेडियोधर्मी तत्व। हालांकि इसी चीज़ के लिए मैडम क्यूरी, पियर क्यूरी को पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल प्राइज, ठीक है ना। कोबाल्ट से कई बार प्रश्न अलग से बन जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन सा, मैं बताया था पहले से भी आप लोगों को, हाँ विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोक्लोबामिन, इसका रासायनिक नाम हो जाता है साइटोक्लोबामिन, ठीक है। ठीक है ना, मैंने इसका बताया था ट्रिक, पूरे बी वन बी टू बी थ्री सब कैसे याद करेंगे, तो अगर याद है तो आप लोग बताएंगे, B1, B2, B3, B6 और B12, ठीक है। और इनको शॉर्ट में यह समझ लीजिए, विटामिन बी जो होता है मुख्यतः हम अनाजों में देखते हैं, छिलकों में देखते हैं, है ना, इन सब में पाया जाता है। तो पूरा डिटेल्स तो इस वीडियो में तो नहीं चर्चा करेंगे, विटामिन का अलग से वीडियो ऑलरेडी है तो उसको आप देख लेंगे। इसका जो है पूरा मैंने सारे विटामिन को ट्रिक से याद कराया था, ठीक है। तो इसका मैंने कहा था याद रखेंगे थार पेपर्स, आसान हो जाता है, थार पेपर्स, ठीक है। तो थायमिन रासायनिक नाम पूछता है, है ना, राइबोफ्लोबिन, है ना, फिर नहीं निकोटिन तो तंबाकू में पाया जाता है, हाँ किसका क्या निकोटिनिक अम्ल, निकोटीन नहीं होता है। देखिए निकोटिनिक या इसको जो पेपस है ना, पैसे होता है पेनोथेनिक, ठीक है, कई जगह पे अलग अलग रहेगा। या दूसरा जो आप कह रही हैं निकोटिनिक, ठीक है, निकोटीन सिर्फ रहेगा तो वो हो जाता है तंबाकू का, तंबाकू में पाया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा देखेंगे इसका, क्योंकि अलग अलग नाम है। फिर ये हो जाता है पाइरिडॉक्सिन, लिखते समय अंग्रेजी हिंदी में थोड़ी बहुत बदलाव हो जाता है, ये होता है साइटोक्लोबामिन, ठीक है ना, बहुत घटिया राइटिंग में लिख रहा हूँ बस समझने के लिए ऐसे ही। फिलहाल कोबाल्ट किस में पाया जाता है, ये प्रश्न कई बार बनता है ना। आर्गन, आर्गन हम जानते हैं ये अक्रिय गैस है, ठीक है ना, इसमें नहीं आएगा, चलिए वीडियो में मिल जाएगा, है? तो आपका आपका जो ये प्रश्न है कि कौन सा जल में, देखो बी सी एच जो है जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन,
BCH, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुल जाएंगे। हाँ देखिए विटामिन, हाँ B7 कह लीजिए या विटामिन H कह लीजिए, बात एक ही है। बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है तो दिमाग नहीं लगाते हैं। तो जल में घुलनशील BCH, उसके अलावा देखिए जो विटामिन जल में घुली हुई होती है उसे अगर आप वाइल्ड करेंगे तो विटामिन खत्म हो जाती है, आमतौर पे समाप्त हो जाती है ना। बाकी जो है सब वसा में घुलनशील हो जाएंगी। वसा में कौन कौन बचा हुआ है? ए और डी ई के है ना। अब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उसमें विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधि। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। कैसे याद कर लेंगे? क्योंकि ये रेटिना आँखों में, तो रेटिना रेटिना को प्रभावित करेगी ना, तो रेटिना से रेटिनॉल खत्म। फिर बी का पूरा मैं अभी बताया था, पूरा कॉम्प्लेक्स के रूप में विटामिन बी पाई जाती है ना। और पेट में, बड़ी आँख में भी विटामिन बी पाई जाती है, इचेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया जो बनाता है। चलो उसके बाद सी की बात करते हैं, तो सी से क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग हो जाता है, क्योंकि सी का नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, तो स्कर्वी से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कई बार पूछता है कि बताइए कौन सा अम्ल के रूप में पाई जाती है विटामिन, तो सी, ठीक है ना। सभी खट्टे फलों में सी पाई जाती है और वो जल में घुलनशील है ना। ऐसे ही डी का तो जानते हैं क्या हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। तो सूखा रोग हो जाता है तो हड्डियाँ पतली होने लगती हैं, और हड्डियाँ किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरॉल, ठीक है। अब ये देखो आमतौर पे मैं चाह तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मान लीजिए क्लास लगभग एक, फिर उसे विटामिन खत्म हो गया। वैसे विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? हाँ, फंक ने की थी, नामकरण लूनिन ने किया था, ठीक है ना। और विटामिन ई, अब देख ही लेते हैं क्या अब जो बचा है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? बांझपन, बांझपन यानी कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा था जब बांझपन आ जाता है, याद करने का तरीका, तो क्या करेंगे आप? गोद लेंगे। गोद लेंगे मतलब अंग्रेजी में कहेंगे टेक, टेक मीन्स लेना है ना, टेक मीन्स लेना। तो टेकोफेराल इसका रासायनिक नाम है। अब रासायनिक नाम से प्रश्न बनने लगे हैं भाई, इसीलिए इसका रासायनिक नाम याद रखिए जैसे भी लिंक करके। उसके उपरांत के, के के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, ब्लीडिंग चली रही है कंटिन्यू, तो अंततः क्या हो जाती है? रक्त स्राव रुकता नहीं है तो मृत्यु हो जाती है। तो इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो इसका क्या हो जाएगा? नेप्टोक्लोबामिन या क्यूनान कई बार लिखा होता है, नेफ्थियो क्लोबामिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसको याद करने के लिए क क है इसमें, थोड़ा सा के क हो जाएगा, अगर एक बार आप सपाट सब पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है। बाकी विटामिन बी का मैं बताया ही था, है ना। तो अच्छा, क्रोमियम वगैरह आमतौर पे किस में मिला लिए जाते हैं? जब हम स्टेनलेस स्टील यानी स्टील बना रहे होते हैं तो हम बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो उसमें हम क्रोमियम, निकिल, जिंक ये सब मिलाते हैं। किसमें? फेरस के अंदर। फेरस के अंदर जब भी आप अशुद्धियाँ मिलाएंगे, अशुद्धियों का मतलब कोई अन्य तत्व इसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो हम उसे रासायनिक भाषा में अशुद्धियाँ मिलाना कहते हैं। तो हम क्रोमियम मिला लेते हैं, है ना, कई बार क्रोमियम के छड़ की बात हो जाती है, तो जिंक मिला लेते हैं, निकिल मिला लेते हैं, ये सब मिला करके हम क्या बना लेते हैं? अलग अलग मिलाते हैं जो जिस हिसाब से रहेगा, है ना। कई बार एक दो दो चीज़ें तीन चीज़ें मिला ली जाती हैं, तो ये सब स्टील बनाने के रूप में काम में आती हैं। कई बार स्टील हम बनाते हैं जो थोड़ा सस्ता वाला होता है, उसमें सिर्फ कार्बन की मात्रा ही बढ़ा लेते हैं, है ना। कार्बन की मात्रा अगर हम 2.5 से 3% बना लें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा क्वालिटी का नहीं होता है। और तो इसका आंसर क्या था? यूरेनियम, ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ये तो आसान सा ही है, कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार। इसमें क्या दिमाग लगाना, अनुच्छेद 32 है ना, मौलिक अधिकारों का जो हम देखते हैं भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में कहां से कहां तक? 12 से
35, तो उसी में हमारा 32 है। इसी को अंबेडकर साहब ने कहा कि ये क्या है, संविधान की आत्मा है। अंबेडकर साहब ने कहा एक्चुअली जो होता है वो प्रस्तावना होता है, बाकी सब कोई विकल्प है ही नहीं, ठीक ठाक कोई मतलब ही नहीं विकल्प से। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करती है, है ना। और वहीं हाई कोर्ट जो जारी करती है वो 226 के तहत जारी करती है रिट। तो 32 और 226 ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर बहुत आसान, देखिए इस तरीके से ये आसान प्रश्न बनते हैं। कह रहा किस पाचन अंग में अम्ल होता है, किस में एसिड पाया जाता है। मैं बता चुका हूँ पहले भी, अमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलन, ये किस में, अमाशय में। अमाशय मतलब जो हमारा स्टमक है, पेट है, उसी में क्या पाया जाता है, एसिड। और कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो 1.2 से 1.5 pH स्केल का होता है। सोचिए कितना खतरनाक होता है ना। लेकिन मैं पहले आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो आपको इसका आंसर अभी देखिए आगे समझिएगा। ये कुछ डाइजेशन सिस्टम है, ये हमारा अमाशय है ना। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर ही HCl पाया जाता है, जो बॉडी के अंदर एज अ हार्मोन्स अवेलेबल होता है, हार्मोन्स के रूप में उपस्थित रहता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर HCl कोई भी एसिड वगैरह आप देखते हैं, तो कहीं भी आप अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पर एसिड वगैरह लग जाएगा तो क्या होगा, क्या चीज़ें हो जाती हैं, जल जाता है। लेकिन पेट के अंदर है और pH स्केल इसका इतना है तब भी नहीं जलन होता है, क्यों, pH तो जानते ही है ना, अम्ल क्षार उदासीन बताया गया है ना, तो जल उदासीन होता है, जो 7 पे रहता है वो उदासीन हो जाता है। वैसे ह्यूमन ब्लड का कई बार पूछता है कितना हो जाएगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से, उधर से बताएंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर इसका आंसर कर रहा हूँ मैं। ब्लड का जो pH स्केल है वो कितना होता है, हाँ 7.4, ठीक है ना, ये होता है रक्त का, मानव रक्त का pH परास, ठीक है, यानी मानव रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है ना, 7 से कम जाएंगे तो अम्लीय, 7 से अधिक जा रहे हैं तो क्षारीय, ठीक है ना। अब तो पहले बचपन में पूछता था कि कौन लाल बनाएगा लिटमस को, कौन नीला बनाएगा, है ना, इस तरीके से प्रश्न बनता था। तो वैसे लाल कौन बनाता है, नीले, हाँ नीले लिटमस को लाल कर देता है ना अम्ल, तो अम्ल नीले को लाल कर देगा, है ना। और इसको याद कैसे करेंगे भाई, गड़बड़ बहुत ज़्यादा होता है ना, ये रिजल्ट दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा लाल, ठीक है, और ठीक है, हाँ हाँ ठीक। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। याद कैसे करोगे, बचपन में कैसे हम लोग याद किए थे कि भाई इसमें ल है ना, यहाँ पर ल है तो यहाँ पर जहाँ ल हो वही रिजल्ट में मिल जाएगा, काम खत्म। गलतियाँ होती बहुत, अब कहोगे अच्छा नीले में भी तो है, हाँ तो भाई डबल ल ल ल दो जगह है ना, नीले में तो एक ही जगह है, तो अतिरिक्त जहाँ मिलेगा वो, अब इसमें डबल है और इसमें, और सिर्फ यहाँ पे नीले लिखा है ना, वो तो सिर्फ ल है, ल है जैसे भी याद करना चाहो, इसमें डबल ल है तो अम्ल से ल, ठीक है, वो बचपन वाली बात है, हमने एग्जाम में पूछता है वैसे, लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं ना। 9th में, 7, 8 में था, खूब रट रट के जाते थे, खूब धुलाई भी होती थी, गलत बता देते थे, तो ये चीज़ें हैं। तो अब प्रश्न ये बनता है कि भाई आंत क्यों नहीं जल जाती है, पेट क्यों नहीं जल जाता जब pH परास इतना है, क्योंकि बॉडी के अंदर यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है ना, तो म्यूकस लेयर पाया जाता है जिसकी वजह से वो जलता नहीं है, क्षारी रहता है। इसी अम्ल की वजह से जितना ज़्यादा आप स्पाइसी यानी मसालेदार भोजन खाते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उसे ज़्यादा पचाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा सीक्रेट होगा कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसीलिए एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में जलन हो जाती है, एसिडिटी उसे कहते हैं। फिर इनो लेते हैं, 7 सेकंड में काम करता है ना, है ना, आप जो भी क्षारी चीज़ खा लें, है ना, जैसे घर में जो खाने का सोडा होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षारी होता है, ठीक है, तो सही हो जाता है। वैसे डाइजेशन ये पूरा अगर देखेंगे तो डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाता है, कई बार बताया गया है मुंह से डाइजेशन शुरू हो जाता है, और 30% किसका पाचन हो जाता है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि बॉडी के अंदर कितने चीज़ों का पाचन होता है,
तीन ही चीज़ों का है ना, बॉडी के अंदर तीन चीज़ों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है ना। तीन ही चीज़ें पचाते हैं हम, नहीं तो खाते तो बहुत कुछ हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन सब यही होता है। विटामिन्स बहुत सूक्ष्म होते हैं तो उसे पचाने की जरूरत नहीं होती है। मिनरल्स जैसे कुछ धातुएं, तत्व इत्यादि, वो खुद ही सूक्ष्म होते हैं तो उसे पचाने की जरूरत नहीं होती है। पचाते क्या हैं, जो बड़े फॉर्म में होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन्हें पचाया जाता है। तो सबसे पहले भोजन का कार्बोहाइड्रेट जो है 30% यहीं पर पाचन हो जाता है। इसको पचाने का काम कौन करता है, सलाइवा, लार। लार के अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम टाइलिन एमाइलेज, ठीक है, और एक लाइपेज होता है। तो टाइलिन एमाइलेज ही क्या कर रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और लाइपेज रोगाणुओं को मारने का काम करता है। फिर भोजन यहाँ आता है, यहाँ रुके रहता है कुछ समय के लिए, और फिर HCl एक्टिव होता है, हार्मोन्स के रूप में पाया जाता है। मतलब कभी भी हार्मोन्स खुद नहीं काम करते हैं, वो दूसरे को एक्टिवेट करते हैं कि भाई तुम काम करो, उत्तेजित करते हैं। तो ये रेनिन वगैरह जो है, पेप्सिन को, इन सबको कहेगा कि तुम लोग अब उठो और काम करो, ठीक है, बस देसी भाषा में। फिर यहाँ से भोजन पाचन शुरू हो जाता है। ये छोटी आंत है हमारी, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। लीवर और पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इधर पीछे ये देखिए, ये है पेनक्रियाज, ये तो गाल ब्लेडर है, पेनक्रियाज इसमें दिख ही नहीं रही है शायद, चलो पीछे कहीं होगी, पत्ते लीफ के आकार होती है ना, लैंगरहंस की ध्रुविकाएं भी कहते हैं उसको। तो इनकी वजह से छोटी आंत के तीन पार्ट होते हैं। तो डेडुनम वाला पहला जो डेडुनम होता है, डेडुनम वाले पार्ट में क्या हो जाता है, भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। पेट के अंदर क्या होता है, पेट के अंदर जो है दूध का पाचन हो जाता है ना, दूध का पाचन हो जाता है। जो रेनिन है वो दूध को पचाएगी, पेप्सिन एक्चुअली प्रोटीन को पचा रहा होता है, ठीक है ना। तो दूध का पाचन होता है, तो दूध जो पच जाता है, तो क्वेश्चन दूध से ये बन जाता है कि जो गाय का दूध जो होता है वो पीला क्यों होता है, या जो भैंस का दूध है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गाय लैक्टिक अम्ल, क्या लैक्टिक अम्ल, तो थकते हैं तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है बॉडी के अंदर। दूध जब दही बन चुका होता है तब भी लैक्टिक एसिड उसमें, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, और वो यही एसिड छोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। थकान के लिए भी जिम्मेदार है और दही भी जमाने में, ठीक है, मतलब वो खट्टापन ज़्यादा होने लगता है, तो उसी वजह से लैक्टिक एसिड की वजह से। तो मैं ये पूछ रहा था भैंस का दूध, हालांकि दूध का ही पाचन यहाँ पर होगा, बाकी सभी चीज़ों का पाचन यहाँ होने वाला है डेडुनम में। फिर बीच में जेजुनम होता है, जेजुनम कुछ नहीं करता है, फिर इलियम होता है लास्ट वाला पार्ट, और इलियम में क्या होता है, भोजन का संपूर्ण अब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि उसमें विलाई नामक संरचनाएँ पाई जाती है। थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास में पहले भी बताया जा चुका है तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा प्रोसेस देख ही लेते हैं। तो भैंस के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन, केसीन बाबू केसीन, कैरोटीन गाय के दूध में पाया जाता है, और जो यही पिगमेंट पाया जाता है गाजर में, गाजर के अंदर भी कैरोटीन पाया जाता है, प्रोटीन नहीं होता है, वो पिगमेंट होता है, ठीक है। तो गाय का दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन भैंस के दूध में पाया जाता है ना, सफेद होता है ना, बहुत ज्यादा जो है अम्ली कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा वसा होता है ना भैंस में तुलनात्मक रूप से। इसीलिए कहते हैं ना छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैट रहेगा तो बच्चा उतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बॉडी के अंदर सबसे खतरनाक होता है फैट को पचाना, है ना, पता है, उसमें पैसीकरण की प्रक्रिया चालू होती है, जिसमें पूरी तरीके से लीवर और अग्नाशय जो पेनक्रियाज है वो इन्वॉल्व रहती हैं, तब जाके पचता है वसा, है ना, और सबसे ज्यादा एनर्जी भी वसा में ही पाई जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में लगभग वही 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन में भी वही 4.3 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4-4.25 के आसपास इन दोनों में पाया जाता है 1 किलो कैलोरी में ऊर्जा, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है इन दोनों में, 4-4.3, लेकिन वसा में क्या है 9 किलो कैलोरी पाई जाती है 1 ग्राम में, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती, ऊर्जा होती है।
तो ये स्टोरेज के रूप में काम कर रहा होता है, दैनिक रूप में ये काम करेगा। बाकी विकास और वृद्धि में ये इस्तेमाल में लाया जाता है ना, बाकी ये स्टोरेज के रूप में। और जब ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो थोड़ा ऐसे हो जाता है स्टोर, है ना, है कि नहीं। बाकी ठंड से बचाने का काम, आघात से बचाने का काम, प्रजनन में महिलाओं के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है वसा, है ना। वसा इसलिए ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उन्हें प्रजनन करना है और इसीलिए ठंड भी कम लगती है, है ना। वही बात होती है कि अब शादी है, अब तो सीजन आ गया भैया, बहुत स्वेटर पहन के जाएंगे अभी नवंबर में ही, और भाभी मस्त जा रही हैं एकदम से है साड़ी पहन के ही झलकाते हुए, तो वास्तव में ठंड नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि फैट ज़्यादा है। तो एक्चुअली उन्हें गिफ्टेड दिया गया है कि आपको वसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए क्योंकि पाचन सॉरी प्रजनन करना है, बच्चे को जन्म देना है, समझ रहे ना। तो इसलिए ठंड भी नहीं लगती क्योंकि ठंड से बचाने का भी काम यही करता है वसा ही। चोट वोट जैसे, अब जैसे मुझे कोई मार दे बहुत झट से लग जाएगा चोट, थोड़ा मोटा उसको मारे कोई तो बाद में लगेगा क्योंकि वो रोक लेगा ना थोड़ा सा, तो ये भी काम कर रहा होता है। तो चलिए, अच्छा ये तो हो गया, थोड़ा ये थोड़ा समझाई देते हैं हम। इसमें तीन पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो डेडुनम में संपूर्ण, यानी कि पूछेगा कि किसमें भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, तो छोटी आंत में कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन जो हो जाता है वो भी छोटी आंत में, इलियम वाले पार्ट में। फिर शुरू हो जाता है इसके हिस्से बड़ी आंत के, तो बड़ी आंत में भी तीन पार्ट पाए जाते हैं, समझ रहे ना। बड़ी आंत में भी तीन पार्ट हैं, उसी में एक विकल्प था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक विकल्प था अपेंडिक्स, है ना। तो यह एक बॉडी के अंदर हमारे अवशेषी अंग पाया जाता है जो अब किसी काम का नहीं बचा, है ना। घास भूसा खाते तो वो बड़ी आंत पचाती, तो अब बड़ी आंत का कोई काम नहीं बचा, घास भूसा पचाती लेकिन अब नहीं। तो कोलन वाले पार्ट में, कोलन वाले पार्ट में, इसमें भी तीन पार्ट पाए जाते हैं, सिक्कम, रिक्टम, कोलन, ठीक है। तो कोलन वाले पार्ट में इचेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना। इचेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या बनाता है, जो सहसजीवी संबंध स्थापित करता है, मतलब क्या करता है, विटामिन बी बनाता है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट इसके हो गए। चलिए पूरा कंप्लीट चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। आप देखेंगे ये वाला हिस्सा अपेंडिक्स है, देखिए ये वाला हिस्सा दिखा रखा है, ठीक है। चलिए इसमें मैं बहुत बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको कभी। फिर पूछ रहा है पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्र जल मार्ग क्या कहलाता है। ये प्रश्न क्या कहलाता, क्या होता, नाम दे दिया, किसको अलग करता है, ये प्रश्न रहेगा। जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। प्रश्न कितना बढ़िया, बहुत आसान है, चर्चा हो चुकी थी, कौन सा हो जाएगा बताओ। इसमें से कुछ लोग म्यांमार भी बता रहे हैं, ये कैसी बात हो गई भाई, श्रीलंका ही तो है। मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को तो ये अलग करता है, पाक से पाकिस्तान मत चले जाना, ठीक है ना। पाकिस्तान से ये कुछ आप मैप में देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये पूरा हिस्सा श्रीलंका का है, ठीक है, और ये वाली ये हिस्से हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, है ना। और ये वाला हिस्सा ये काला नहीं है, नीला है, थोड़ा काला समंदर है ना ये हमारा, ये ध्यान से देखिए, तमिलनाडु वाला हिस्सा भाई, ये केरला है इधर, तमिलनाडु, ये पूरा तमिलनाडु का हिस्सा है। तो ये है पाक जल डमरू, पाक जल डमरू मध्य, ये वाला हिस्सा पड़ता है मन्नार की खाड़ी। खाड़ियाँ जानते हैं कैसे होते हैं ना, खाड़ियाँ जो आमतौर पे वो जल निकाय जो मिट्टी से तीन तरफ से घिरा हुआ होता है खाड़ी कहलाती है। ऐसे ही प्रायद्वीप क्या होता है, जो वो मिट्टी का हिस्सा जो तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ हो, जैसे हमारा भारत, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी जो है ये बगल में इधर जाएंगे तो जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है ना। अच्छा अब इससे थोड़ा सा ये आ जाता है, खंबात की खाड़ी कई बार पूछता है कहाँ है, तो जब थोड़ा ऊपर मैप में जाएंगे, तो जब गुजरात में जाएंगे, अब पूरा मैप है नहीं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, गुजरात के पास है खंबात की खाड़ी, गुजरात में ही है, मतलब जो बीच का हिस्सा बनता है ना उसमें, इस टाइप का देखेंगे, इस टाइप का है ना, तो ये वाले हिस्से में बनेगा खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर क्या है, इस तरीके से प्रश्न हमारा बनता है, पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी दोनों का किसको अलग कर रही है, मतलब दोनों किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है।
बाकी किसी भी देश के साथ हम कोई जलडमरू मध्य नहीं है हमारा, तो जबरदस्ती पाकिस्तान नहीं लाना है, ठीक है। अरे क्या हो गया, कह रहा है प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है, प्रश्न बढ़िया है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है, प्रकाश को घटक रंगों में चित्राना, विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना, या विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। कितने लोगों का सही है, सभी लोगों का, वेरी गुड, सबका सही है भाई। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य जो होता है अपवर्तन करना होता है, अपवर्तन करना। अब इससे थोड़ा सा जब थोड़ा हाइट आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर की वजह से क्या करते हैं हम, वो पूछता है कि किस कॉन्सेप्ट के किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। एक मान लीजिए ऐसी कुछ पाइप होती है और उसमें नेटवर्क या कुछ भी तरंगे भेजी जाती हैं जो पूरी तरीके से आगे पहुंचते हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेटवर्क यानी कि हम कहें डेटा भेजा जा रहा है जो 100 GB पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा या उससे भी अधिक है ना सामान्य, तो वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भेजा जा रहा है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर वो काम कर रहा होता है। फिलहाल ये अलग है, ये फिल्टर है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ये अपवर्तन करता है तो उससे भी प्रश्न बन जाता है कई बार, बात समझ आ रही ना, उससे कई बार प्रश्न बनता है। आजकल जो है ऐसा ही हो, समुद्र के अंदर पूरी जो है पाइपलाइन बिछा दी गई है नेटवर्क के लिए। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, ये तो बड़ा आसान आसान सा है, क्या हो जाएगा, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखेंगी उसे हम क्या कहेंगे, ओजोन मतलब O3, और O3 कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और किसको सोखती है, किसको, अल्ट्रावायलेट किरणें UV है ना, जो आमतौर पर सूर्य के प्रकाश के साथ आती हैं और कैंसर का सबसे बड़ा कारण यही है। इसके लिए कन्वेंशन हुआ है ना जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ है, ये कनाडा में है, इसको बचाने संरक्षण करने के लिए, तो अल्ट्रावायलेट से संबंधित या ओजोन परत से संबंधित क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो जानते हैं यूवी ही है ना। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको, इसको जो है ओजोन छिद्र को या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो हम कहेंगे उत्सर्जन होता है वो किससे होता है, नहीं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रियान गैस की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रियान गैस ही तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो क्या कर रहे होते हैं, जो पूरी तरीके से इसको प्रभावित कर रहे होते हैं ओजोन लेयर को, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये तो बहुत कुछ था नहीं, क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस विधा से सुप्रसिद्ध, ये तो भाई पंडित बिरजू महाराज तो जानते हैं, बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, कथक हैं, कथक के पेशेवर यानी कि उसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया है भाई, तो कथक, बाकी मणिपुरी ओडिशी कथकली ये सब क्या है, शास्त्रीय नृत्यों में आते हैं, थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्यों को देखेंगे। वैसे इनका जो है पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करना होगा हम लोगों को, सभी कौन से नृत्य कौन कौन करता है ना, ये कुछ हो जाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है कि भाई कौन किस तरीके से डांस, तो पूरे के पूरे हमारे जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से ये हो गया भरतनाट्यम, किस राज्य में किया जाता है, तमिलनाडु में, ये है कथक, ठीक है ना, कथक, कथकली केरल होता है, कथक भारत, यूपी, भारत नहीं यूपी, कथक, ठीक है, हाँ पुरुष करते हैं। फिर ये है कथकली, कथकली केरल, और कथकली के बाद मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल में, ठीक है ना, ये है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ, आंध्र प्रदेश में। फिर ये मणिपुरी है ना, पूरा पहन के करते हैं, मणिपुर का ही है मणिपुरी। ओडिशी तो उड़ीसा में ही किया जाता है, ठीक है, और सत्रिया कहाँ हो जाता है, असम का। ये कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, कुछ क्या 8 ही हैं, कुछ क्या होता है इसमें, है कि नहीं। तो कई बार मुद्राओं से पूछ लेता है,
कौन करता है ये भी पूछ लेता है पुरुष या महिला। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखेगा, कितना बच्चों वाला सवाल है। हाँ, कह रहा कि वायुमंडल ही नहीं है, जब वायुमंडल नहीं है तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से हम जब भी देखते हैं अंतरिक्ष को, बाहर किसी अन्य चंद्रमा से देखते हैं अंतरिक्ष को, तो हमें काला ही दिखाई देता, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ना तो प्रकीर्णन होने वाली बात होती है ना तो रिफ्लेक्शन वाली बात होती है, समझ रहे ना। तो ये तो कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, चंद्रमा पर से कई बार पूछता है तो कैसा दिखाई देता है, काला, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट जो है, हाँ, सबसे पहली महिला रही हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, अध्यक्षा रही हैं। उसके बाद भारतीयों में अगर बात करेगा तो सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू को, हाँ, ये विदेश लंदन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। फिर विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये उनके उनकी बहन है, क्या नाम है, नेहरू जी की, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। स्टैटिक जीके में पूछता है, उधर से बताइए भाई, ये इनसे क्या प्रश्न बन सकता है, विजय लक्ष्मी पंडित से, विजय लक्ष्मी पंडित और कोई, सबसे पहली भारत की सबसे पहली महिला थी जो यूएन की अध्यक्ष चुनी गई थी, यूएन महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी, विजय लक्ष्मी पंडित, समझ रहे ना। तो इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, वैसे कई जगह पे, कई भारत के कई कई जगहों पे राज्यपाल, राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल भी थी जो यूपी की राज्यपाल बनाई गई थी, है ना। इस तरीके से स्टैटिक जीके बन जाता है। और क्या इनसे कह देगा कि भैया भारत कोकिला किसे कहते हैं, है ना, इस तरीके से प्रश्न कई बार बनता है, ठीक है। तो अब चलिए समापन की ओर आएं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, पहला राजगृह में, सबसे पहला जो है 483 में, किसके समय काल में बनाया ये पहली बौद्ध संगति की गई थी, अजात शत्रु, ठीक है ना, शासक जो था अजात शत्रु, अध्यक्ष जो बनाया गया था वो महाकश्यप था, ठीक है, महाकश्यप। तो अध्यक्ष, ये कई बार प्रश्न बनता है इस तरीके से, है ना। उसके बाद दूसरा आयोजन कहाँ हो जाएगा, उसके बाद हम 100 साल अंतर करेंगे तो 383 ईस्वी में वैशाली में, ठीक है, और ये किसके समय काल में हुआ था, काला शोक के समय काल में इसका आयोजन किया जाता है। ये शासक हैं, ये तो समझ रहे ना आप लोग, ये शासक हैं और ये अध्यक्ष हैं, तो काला शोक शासक है और अध्यक्ष कौन हो जाएगा, शुभकामी, ठीक है ना, ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद तीसरा तो इम्पोर्टेंट है ही है, पाटलिपुत्र। देखिए ये दोनों बिहार में है, पाटलिपुत्र इस समय कौन रहेंगे भाई साहब, नाम रहेगा अशोक, ठीक है। और हाँ, इसका टाइम ड्यूरेशन भी देख लीजिए, 247 का टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है, 247 में अशोक जो है अशोक के समय काल में, तीसरी नंबर देख रहे हैं, नंबर तो डाल ही नहीं रहे, 1, 2, 3 और कश्मीर वाला चौथा है, हाँ, तो अशोक के समय काल में। अच्छा, इसमें अध्यक्ष कौन था अशोक के समय काल में, मोगलीपुत्र तिस है, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, ये अध्यक्ष था तीसरे के टाइम ड्यूरेशन में। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। कश्मीर को एक्चुअली कुंडल वन में है ना, और ये आखिरी है, तो इसके कश्मीर में जो हुआ था कुंडल वन में चौथा, ये हुआ था, कई बार लिखा होता है प्रथम सदी में, है ना, ईसा में, या 102 सीधा सीधा दे देगा 102, ठीक है, ईस्वी में,
बाकी सब क्या है, ईसा पूर्व है, बाकी सब ईसा पूर्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बाकी सारे के सारे ईसा पूर्व हैं, वापस आ रहे हैं हम लौट करके। अब इसमें हम आगे की ओर जाएंगे, तो कनिष्क के समय काल में कुंडलवन में हुआ था कनिष्क। इससे दो प्रश्न बन जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले तो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष में वसुमित्र रहेंगे, उपाध्यक्ष भी कई बार पूछता है ना, उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, उपाध्यक्ष से कई बार प्रश्न बनता है कि इसने रचना क्या की थी, अश्वघोष। उपाध्यक्ष से इसलिए बनेगा क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, अश्वघोष दार्शनिक तो थे ही, तो इनकी रचना थी बुद्ध चरितम, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम, ठीक है ना। इस तरीके से ये चारों हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, जो हम कह सकते हैं बौद्ध परिषद थे, चारों के चारों कंप्लीट हो गए हैं। अगर रिवाइज करना हो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, सबसे पहला राजगृह में किया गया 483 ईसा पूर्व में, सबसे पहले जो हम देखेंगे जो मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश था है ना, उसका ये कौन सा नंबर का शासक हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहा गया, पितृहांतक, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है पूरे मगध वंश में हम लोग क्या ट्रिक रखते हैं याद करने के लिए कि पूरा वंश कहां से चला था, अजातशत्रु और बिंदुसार, सॉरी गलती होगी, बिंबसार, बिंदुसार तो अशोक का पिता है, तो किस वंश की स्थापना करता है, हर्यंक वंश है ना। इसको हम लोग ट्रिक में कैसे करते हैं, हाँ हाँ, सीन मासुका, ऐसे थोड़ा मासुका उसका से याद हो जाएगा ना नाम, है कि नहीं, सात है ना, और सात का मतलब ये नहीं कि सात लोग हैं, ये तो सातवाहन वंश से संबंधित है। हर्यंक वंश कौन संस्थापक हो जाता है, बिंबसार, बिंबसार और बिंदुसार में अंतर है, ठीक है। फिर शिशुनाग वंश, तो इसकी स्थापना कौन किया था, खुद शिशुनाग ने ही। फिर नंद, नंद वंश को इसकी स्थापना महापद्मनंद, आखिरी उसका धनानंद होता है जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करेगा, तो मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, संस्थापक है, इसका अंतिम बृहद्रथ है, कई बार पूछता है। फिर शुंग वंश, ये पंडितों वाला वंश था, ब्राह्मण थे ये लोग, तो संस्थापक कौन, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद कर्ण वंश या काकवर्ण वंश, जिसमें हम देखते हैं कनिष्क को, लेकिन इसका जो संस्थापक होता है वो कौन होता है, कुजुल कड़फिसेस, हाँ सही है आप, कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। फिर होता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर था, है ना, दक्षिण भारत में, जिसमें हम कई सारे गौतमीपुत्र सतकर्णी को देखते हैं, एन सतकर्णी को देखते हैं, तो इसका जो संस्थापक था सिमुक था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ये पहला है 483 में, इसी वंश में हुआ था, किस वंश में, हर्यंक वंश में। फिर उसके बाद 383 काला शोक है, इसके समय काल में इसी में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये ध्यान रखिएगा, शुभकामी अध्यक्ष है, कालाशोक शासक है, महाकश्यप अध्यक्ष है, अजातशत्रु शासक है, 100 साल का अंतर करना हमें। उसके बाद तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना मतलब जो पाटलिपुत्र है, अशोक उसका अध्यक्ष है, और उस समय का जो सॉरी शासक है, अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तीस। चौथा अंतिम, हालांकि कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में श्रीनगर की बात स्पेशली होता है, जो राजधानी इसकी, तो उसको किसने बसाया था, कई बार पूछते हैं। अरे कहाँ चली गई, विजयनगर वो है भाई, कश्मीर को अशोक ने बसाया था, सॉरी कश्मीर नहीं, श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। घटोत्कच तो उसमें आएगा जब हम पढ़ते हैं गुप्त वंश में, सबसे पहला श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, ठीक है ना। घटोत्कच के बाद फिर, हाँ घटोत्कच है, फिर रामगुप्त आता है, फिर इनके लड़के आते हैं, ठीक है। चलिए
ये थोड़ा यही समाप्त करते हैं, याद हो गया होगा आई थिंक आपको, डेट याद रख लेंगे 483, 100 साल का अंतर करिए, फिर 247 थोड़ा ध्यान से ध्यान रख लीजिए, उसके उपरांत 102, ठीक है ना। गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डेट इसी में से विकल्प देता है, तो बस थोड़ा हमें समय याद रखना होता है, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने सही हुए कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं गुड़ में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हाँ बंद करो।